गजब गजब। आइए साहब, हम बिरहा गायिका सीमा सरगम रउआ सबको ध्यान केने बा, हेने हाथ जोड़ के गोड़ छू के गोड़ लगत नी। रउआ सब लोग अपन प्यार दुलार ए पगली के तनिये तनिये से दे दे, ता ए पगली खातिर बहुत ज्यादा हो जाई। या भैया रउआ सब लोग हमरे आवाज में बड़ा बिरहा सुनीला, वीडियो के देखीला, ता आई ए बिरहा के सुनी तनी तनी सा सपोर्ट कर दे, ताई पगली के जिंदगी धन्य हो जाई। आई बिरहा में कवि जी चार लाइन का भूमिका लिखलन है, कैसे चाँद काया जी रंगत भी गम में डूबा, परी बना खुद के बगिया कमाली, सूर्य की ज्योति भी आज मन होश है, दाग नभ में लगी जब जली घटिकाली, क्या कहूँ इस जमाने की दस्तूर को, अरे डूबी ना वो जिनको मिला ना किनारा, कभी राम शिष ना भरोसा करो, बसा कर स्वयं घर गई अपना उजारा। ए भैया, हमरे कवि जी कहलन ये दुनिया में केहू पे भरोसा करे लायक ना है साहब, काहे से कुछ लोग ते अपन घर बसोले में हुन, आ कुछ लोग अपन घर में उजार देत हुन। एलिए आई बिरहा में कवि जी संकेत कैलन एक ठे कवाली का टुकड़ा लगल भैया, राजियो सर कि प्यार के, अरे प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो, प्यार के करते हैं क्या
अरे चल रही तीर, अरे चल रही तीर धोखे की संसार में, चल रही तीर धोखे की संसार में, खुद अपने पर अब ना भरोसा करो, खुद अपने पर अब ना भरोसा करो, चल रही तीर धोखे की संसार में, खुद अपने पर अब ना भरोसा करो। हई दुनिया का देख के अब तब मन करेला, वास्तव में दिल की बात अपना बताएं कि सच में किसी पे भरोसा विश्वास नहीं रह गया। इस साला अपने शरीर का रोमा कब टूट के गिर जाए कोनो गारंटी नहीं हो। बिरहा का कहानी शुरुआत भइल नजम कलाई लगल भैया आवा। फतेहाबाद मेहरपुरवा गाँव आता है श्याम सुधीर, जहाँ दो भाई का नाता है। माई कलावती के गोदिया के हीर रहा, पलंबर का काम करता वो सुधीर रहा। खुशी से हो गई सुधीर की सगाई है, खुशी से हो गई सुधीर की सगाई है, हुई जब शादी तो रेखा दुल्हनिया आई है। कहानी क्या समझ लिए साहब? जिला फतेहाबाद ग्राम मेहरू पुरवा गांव बतावल गई, जौने गांव में एगो जगदीश नाम का, जगदीश का पत्नी का नाम कलावती देवी बतावल गई। भगवान ओ जगदीश के और कलावती देवी के गोद में दूठे लाल देहले हुवन। बड़का बेटवा का नाम सुधीर बा, छोट बेटवा का नाम श्याम बा। ए भैया बाबू माई बड़ा खुश हुवन कि हमार लाल सयान हो गई लहुन शादी बियाह करे के बा। जौन बड़का बेटा सुधीर बा पलंबर का काम करे, लेकिन अपन परिवार के लेके चले। ए भैया धीरे धीरे सुधीर जब सयान भइल तो सुधीर का शादी हो गई। आ जब सुधीर का शादी भइल ए बाबू तो सुधीर के दुल्हन का नाम रेखा बतावल गई। रेखा दुल्हन घरवा में अली न हो बाबू तो देखी लोग बड़ा खुश हुवन। खुश हुवन भइल का भैया बिरहा में गीत लग गई। अरे तोहरो राजा जी आई हाथ में मेहंदी बा, दिल में सपना बा, ए सैया छोड़ के चल जी बा, ते जिंदगीया कोने घाटे लगी। अरे चार दिन का चांदनी फिर अधेरी रात, आई जबले जवानी बा तबले चानी काट ला, नहीं तो बुढ़ौती आ जाई तो ताखा पे झंक के पड़ी। उ मेहरारू बतावे अरे तोहरे बाबूजी के देश हमर लाइके गवनवा सैया, मत जा विदेश हमर लाइके गवनवा सैया, मत जा विदेश हमर लाइके गवनवा राजा, मत जा विदेश।
कहेंगे सुधीर कबिया भइल बा घरवा में दुलहिनी आइल बा रेखा नाम क पहली पहली रात बा पहली पहली रात में सुहाग रात में जब सुधीर घरवा में ढुकलन हा तब मनवा में सपना सजावत हुन कि हमार दुलहिन कैसन हुई हन हमार रेखा कैसन हुई हन ए भैया उ दुलहिन का विशाल भैया ओ एक हाथ घूंघट काढ़ के इंतजार करत बा कि हमार राजा जी आ जाई हन आज हमरे जिंदगी के पहली पहली शुरुआत बा आज हमार पहली रात बा हमार राजा जी आई हन राजैया में सुई लगल हा राजैया रजाई में सुई लगेला जो नहीं पतरी में खाला वही पतरी में छेद करेला ए भैया दुलहिन घुघुट काढ़ के अपने राजा जी के इंतजार करत बा घरवा में ढुकलन हा कन्हैया आ धीरे से घूंघट के उठैलन कलन आए हाय हाय हमर रानी कितना खूबसूरत बड़ी एक थे मनवे मन बात सोचत थी आ कहे का कहे बिहला लागतिया रे खाइंद रासन के परी लागतिया रे खाइंद रासन के परी लागतिया रे खाइंद रासन के परी कजरारिया खुशगा ओकर आंख कैसन बा बनावटी कैसन बा सुधीर मनवे मन सोचत हुन कजरारी आंख सुगा जैसा होठ लाल के कितना सुघर बनौले बाड़ा ने दुनिया का मालिक तोहके आज तोहरे आगे है दुनिया फेल बा उस सोचे अकोहे कजरारी आंख सुगा जैसे होठ लाल के लागे भगवान बनौले फुर्सत निकाल के लागे भगवान लगतिया रे खाइंद रासन के परी लगतिया रे खाइंद रासन पहली पहली रात बा सुधीर मन में मन बड़ा खुश बा कि हमार दुल्हन बड़ा खूब सुघर मिलल बा पहली रात बीत गई आज जब पहली रात बीतल हो बाबू त देखी धीरे धीरे समय आगे बढ़े लगल आ जब समय आगे बढ़े लगल ए भैया त भइल का बिरह में गीत चेंज हो गई ये गीतिया का लाइन बा कोनो नई नवेली दुल्हन का दुल्हा अपने दुल्हन को प्रशंसा करे दुल्हैया कलश की देखबा तो है ना हमार एक थे बात सुन लो कहे का कहे रही नहीं हर में लैकन के पहला पसंद ए जी जाई न होने बड़ाई करी कम
रही नहीं हर में लैकन के पहला पसंद ए जीजाई ना होने बड़ाई करी कम ना होला कंट्रोल ईमान जाई डोल ना होला कंट्रोल ईमान जाई डोल अरे देख नहीं मांगे हमर जागे तसड़िया करिया ले ले आई हबल मुआ नजरिया ना लगे तसड़िया करिया ले ले आई हबल है सुधीर का आज पहली रात बीतल बा धीरे धीरे समय जब आगे बढ़ल तो देखी भाई का बड़ा खुश हमन मन में मन प्यासल नदिया के सदा जैसे पानी खोजे काटे लगल सुधीर संग में चानी रोजे प्यासल नदिया के सदा जी से पानी खोजे काटे लगल सुधीर संग में चानी रोजे होला मीठी मीठी बात काटे लगल दिन रात अरे तू ना उनका प्यार लगल जागे तो सुंदर मोर बा में हरिया विधाता नजरिया ना लगे सुधीर के मन में ई हो गई कि हमार मेहरारू बड़ा खूबसूरत बा ए विधाता ए भगवान केहू का नजर हमरा मेहरारू पे ना लगे अब सुंदर के नाते उ एगो मन में औरी सपना सजावे लगल का के भावना सा माइल रहे मन में धोखा न करे कौनो हमारे जीवन में माइल रहे मन में धोखा न करे कोनो हमरे जीवन में दिल में बैठल बचोर उतबाड़ी इतना गोर हम तो फेल बनी में हरी के आगे तो सुंदर मोर बा में हरिया विधाता नजरिया न लगे देखे में इतना खूबसूरत रहे सुधीर के मन में हमेशा शंका समाइल रहे कि हमरे जीवन में दूसर कोनो आके एंट्री मत करो हमरे जीवन में केहू धोखा मत करे पावे ए बाबू इहे मन में मन आगे पीछे सपना सजावत बा कि कोई हमरे जीवन में धोखा मत करे लेकिन एक दिन भइल का भैया बिरह में गीत चेंज हो गई कौनो लड़की कबिया भइल बा अपना ससुरा गइल बड़ा उछाल उछाले के भैया की का बताई जिंदगी भर अपना नैहर में बड़ा सुख सुविधा रहे आज जब ससुराल गइल तो बड़ा दिक्कत होखे लगल एक दिन अपने मन का बात कहलस का कहे हम तो नैहर में रहते रही एसी में आय हाय एसी में यहर देह जरी जाता हमर खेती में
उनका रहल एक दिन उहे काम हो गई। कौन काम हो गई? आके शंका के बदेरा बरस गईल बा, आके शंका के बदेरा बरस गईल बा, रेखा गवाही के लइका से फंस गईल बा। मिल गईले रेखा पिंटू गरवा लगावे, मिल चोरी चोरी सुधीर तरस गईल बा, मिल चोरी चोरी सुधीर तरस गईल बा, रेखा गवही के लइका से फंस गईल बा। कर नाम बतावल गईल सुधीर का जिगरी दोस्त रहे। अब सुधीर का दोस्त भईला के नाते से पिंटुआ रोज घरवा आवे जाए। आ ए भैया, उस सुधीर के दोस्ती के नाते से यहाँ देखी रेखावा के भौजी 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 कहत कहत आखिर में दोनों में नैना चार हो गई। आ दोनों में प्यार जब हो गई ता ए भैया इन्हें अब सुधीरवा रेखावा के बेकार लगे लगल। सुधीर से अब मिले खातिर रेखा जब कुछ सोचे कि आज हम रेखा से मिलब भई बात हऊ बात, जब कुछ मन में सपना सजावे तो लेकर बुखार चढ़िया, तब ले चाप दे के बुखार, एकदम दूरी बना के सुधीर से रहे लगल। आ जब दूरी बना के सुधीर से रहे लगल हो बाबू, त देखी भइल का बिरहा के शैली में बतावे के पड़ल। अरे मिताई जीव के काल हो गइल, ए हो मिताई जीव के काल हो गइल, अरे पाप ना छिपल कब हो ना कोई छिपाई, अरे छिपाई, ए भैया पाप ना कब हो छिपल ना कोई छिपाई, चोरी हत्या पाप न कबो छिपल बा अन्ना कबो केहू छिपाई। ए भैया जब इन्हनी से दोनों से प्यार हो गई रेखा या पिंटू से, जब सुधीर से रेखा दूरी बनावे लगल, एक दिन सुधीर कलस देखा रेखा ऐसा हमरा से मत करा, वास्तव में बता दे कि तुमसे हम बहुत प्यार करीला और तुहके अपने जान से ज्यादा मानीला। रेखवा कलस देखा अब हमार उल्टा सीधा कुछ मन ना करेला, अब दूरी हमसे बना के रहबा तब बे ठीक है। ए भैया आखिर में मन में सोचने लगा सुधीर, मन में एक योजना बनाया। योजना कौन रहा भैया? विदेशिया के लाइन में बतावे के पड़ल। अरे दिन बीती गईल देखा, सुधीर के बदन। ए भैया दिनवा तक कैसहू बीतल हो बाबू, शाम भइल बा। आ जब शाम भइल त जाके आज रेखा क कलाई सुधीर धैलस कलस देखा। आज हमार ई इच्छा करत ह कि आज तू अलगे न हमरे लगे सुतबू। रेखवा कलस ऐसा ना हो सकेला, जाए के आराम से बहरे वाले दलानी में सुता,
हम आज संगे न सुतम, मन में हर तैयारी कुछ चलत बा ए भैया, लेकिन आज जब रेखवा का बात सुधीर सुनलन तो आग बबूला हो गइलन। शाम भइल, खाना बनल, सब कोई खैलस आ खा के कैलस लोग का। अरे सब कर बिस्तर लागल बाटे, अरे सुधीर यादो जागल बाटे, अरे पूरा परिवार सुतल कई के भोजनवा। ए भैया, पूरा परिवार अपने अपने बिस्तर पर जाए के सुतल बा, तबले इधर सुधीर के मन में कुछ औरी खुराफात मचल बा। आ जब खुराफात मचल तो कैलन हका, अरे हथौड़ा उठाई लिया ला, पापी बेईमानवा। ए भैया, हथौड़ा उठा लिहलन, आ हथौड़ा उठौला के बाद में जाय के रेखा सुतल बड़ी, आ जाय के हथौड़ा से एक हथौड़ा मरले बलन। आ जब एक हथौड़ा लागल बा, हो बाबू छटपटाए लगली रेखा, सांस चलत बा, खून चलत बा। ए बाबू, हथवा जोड़ के रेखा काला सरकार, हम कौन ऐसन गलती कैली कि जवन हमके मार दिहला, आ इतने ना हम कुछ कहबो तो नहीं कैली, इतने कहली कि हमने के अलगे अलगे सुतल जाई। सुधीरवा कलश की जौन तू हमरे जिंदगी में खिलवाड़ कैलो ना, हम सब कुछ जान चुकल हई। अखिया में आंसू लेके रोवत बा, तबले दुबारा हथौड़ा चलोलोस। जब दुबारा हथौड़ा लागल बाए बाबू, ता सर खुल गईल, आ छटपटा छटपटा के ए दुनिया के छोड़ के चल बसलीन। आ जब रेखा इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी, त देखी भइल का भैया बिरहा में गीत लग गईल। गीत से सुंदर बिरह के भाव में कवि जी लिखलन हा। ए भैया, आखिर में भइल का, अरे निकलल बारे खाके, अरे निकलल बारे खाके परनवा वोई घरवा में, रेखा के निकलल बापर नवा वही घरवा में, रेखा के निकलल बापर नवा वही घरवा में, रेखा के निकलल बापर नवा वही घरवा में। छटपटा त दिहली रेखा आपन दम तोड़ी, चाकू लेके चला अपने बेटावा की ओरी, खुनवा के कैले आ
देखा के निकलल बापर नवा रेखा के हथौड़ा मार करके जिंदगी ले लिहलस, लेकिन अब ही छोट बेटवा जवन सुधीर का बेटा बा, बेटा बहिन आबोध बा, जोने बेटवा का नाम ध्रुव बतावल गई। ए बाबू ध्रुव आज रेखा के लगवा ना सुतल रहे, पापा के लगवा सुतल रहे, लेकिन जब रेखा के मुआवलस तर रेखा के मरले के बाद में ए भैया अपने बेटवा की ओरी चाकू देखलस, चाकू उठा के चलल बा अपने लइका की ओरी। आ जब लइका के ओरी चलल हो बाबू तब पापट के अंदाज में बतावे के पड़ा। अरे सुतल ध्रुव पर कैले बाच बेटा बेटा घरवा में, अरे सुतल ध्रुव पे कैले बाच बेटा बेटा घरवा में, तो वो हुकपा पिछन में गला रहता बेटा घरवा में। आखिर में ओकर तक गलती रहल है जोन आबोध बचवा बा, ओकर कौन गलती बा ए साहब। चाकू लेकर के चल दिया और चाकू लेके जब गईल हो बाबू तो देखी बेटवा निधड़क सुतल बा। ओही सुतले में हो बाबू चला दिया चाकू वो पापी, और जब चाकू छलोलो सो बाबू तो आबोध बचवा खून से पूरा लतपत बा। ए भैया तनिक नहीं दिल में दया आइल ओ पपिया के, आखिर में ई हमार बेटा है। ए भैया भइल का, अरे किया वार चाकू से पापी, अरे दया तनिक नया आई हो, अरे उसी रात में लाश को फेंका, अरे जंगल भी चले जाई हो, अरे पुलिस प्रशासन आइला ने ता बेटा घरवा में, अरे वहू कच्छन में गाला अरे ता बेटा घरवा में। ए बाबू चाकू लेके अपने बेटवा परिवार कैलस, अब बेटा के मुआं के ए बाबू लाश के उठैलस। ए बाबू जंगल की तरफ जाए लगल, रेखा कलाश घर में बा, अब बेटा कलाश कान्हे पे धैले बा, बेटवा का खुनवा चुवत बा, सुधीर खुनवा से भीग गईल, लेकिन कलेजा नहीं पसीलर हो बाबू, कलेजा नहीं पसीजल हो बाबू, ले जा करके लाश जंगल में फेंक दिया। और जब जंगल में फेंकल सो बाबू तब देखी भइल का यहाँ अल्लाह के लाइन में प्रमाण मिलल। अरे खुनवा के नदी वही, अरे खुनवा के नदी वही घर के भीतरिया बगल, को दरा दिया ना आवे वही कसैया के भैया, माई बेटा के दिहलास जनवा से मार, भइल पाटे सो पूरा जुटल गांव के लगवा भैया।
बेटवा धुरूप कलसिया ले जाए के हो बाबू जंगल में तो फेंक दहलस, लेकिन रेखा कला सबहिन घरवा में बा। माई उठली न गईली न घरवा में जगावे खातिर कि आज हमार बहू रेखा नहीं उठल। ए बाबू जब घरवा में गईली जगावे खातिर लाश जब देखली पूरा बिस्तर खून से भीगल बा। ए बाबू चिल्लैली हाँ, आ जब चिल्लैली तो उनकर आवाज घर का आरी बगल का जब लोग सुनलन तब इकट्ठा हो गईलन। आ जब इकट्ठा हो गईलन भैया जब दृश्य देखलन तो ए बाबू पुलिस प्रशासन का लोग जब वहाँ अलन तो देखी खोजाहट मचल कि आखिर में सुधीर गईलन कहाँ। सुधीर अपने मनवा मन सोचे कि बेटवा का लाश तो फेंक दिले हैं, अब यहाँ से हम भी निकल जाई। कैला सका मनवा मन सोच के यहाँ खड़ी का अंदाज में बतावे के पड़ो। अरे पापी सोच घास लेखा छटा जाइबे, अरे पापी सोच घास लेखा छटा जाइबे, आ चल के हम वही रलिए से कटा जाइबे। सुधीरवा के मन में आइल मेहरारू के मार देहली या लैका के भी मार देहली तो हमरे जिंदगी में और बचले का है। ए बाबू सुधीर चलल बा कहा रेलवे पटरी पर पापी भागते आया, अरे गाड़ी थी लेट पापी समझ ही ना पाया। मन में सोचने लगा सुधीर कि अब हमरे जियले कोनो फायदा नहीं है। ए बाबू ए भैया भागत भागत रेलवे पटरी पर गईल, थोड़ा सा गाड़ी लेट रहल, आखिर में सोचलस कि हम का करी। ए भैया आखिर भइल का, अरे खोजे प्रशासन हाथ कड़ी आगाते लगाइबे, चल के हम वही रलिया से कटा जाइब। ए भैया जब निगाह पड़ल तो गईलन ओ आदमी के पास, जब आदमी के पास गईलन तो उ रहे के भैया उहे सुधीर रहे। पुलिस प्रशासन पकड़ के और गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बिठाने के बाद में मारते पीटते लेके गया। बतिये सारी कबूल दिहलन कि हम ही अपने बेटा का और पत्नी का खून कैली। ए भैया आज सुधीर के लेके लोग गईलन, प्रमाण मिलल कि आजीवन कारावास 302 का मुलजिम हुआ, आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। लास्ट में बतावे के पड़ल गुरु गणेश गुरु राम लाल जी गईले स्वर्ग सिधारी, अरे कविता लिखत राम आशीष सातिर डमरू धारी। अरे मिताई जीव के काल हो गईल, अरे मिताई जीव के काल हो गईल, तो सीमा सरगम झंडा बिरा में लहराई। मिताई जीव के काल हो